हाय, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। और आज हम, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा, मैंने हेयर लॉस कवर किया हुआ है। और हेयर लॉस के बारे में अपन देखें तो हेयर लॉस एक इतना बड़ा टॉपिक है कि हम उस पर जितने भी वीडियोस बनाएं और जितना भी अपन उसके बारे में बात करें वो बहुत कम होगा। लेकिन अब ये चीज़ें मैं इसलिए बना रहा हूँ हेयर लॉस पर वीडियोस, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं और वो रिक्वेस्ट, मतलब क्या होता है कि जब वो आते हैं मेरे पास तो मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ चीज़ें कई बार भूल जाता हूँ बताना कि आप ये करिए या ये डाइट लें, आप ये एक्सरसाइज करिए हेयर लॉस के लिए। तो मेरा एकमात्र मोटो ये है कि वो इन वीडियोज़ के जरिए काफ़ी चीज़ें हद तक समझ पाएँ और अपने हेयर्स को एक अच्छे से देखभाल कर पाएँ। नेक्स्ट, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट ने अभी रिक्वेस्ट किया कि सर आप शैम्पूस पर आप वीडियो बना सकते हो क्या। तो एक जनरल, एक एज ए होम्योपैथी डॉक्टर मैं जितना भी प्रेफर करता हूँ नेचुरल शैम्पूस प्रेफर करता हूँ, फिर भी एक जनरल मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप किस तरह से शैम्पू आप सेलेक्ट करें। अगर आपका जनरल, अपन सबसे पहले एक हेयर लॉस पर आते हैं, अगर आपका पैटर्न हेयर लॉस है, मेल पैटर्न हेयर लॉस है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो कि डीएसटी ब्लॉक करता हो और माइल्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आप अपने कॉज पर डिपेंड कर सकते हैं, शैम्पू किस तरह का कॉज है आपका हेयर लॉस होने का, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से कंसल्ट करके या नॉर्मल शैम्पूस आप सेलेक्ट कर सकते हो। अननेसेसरी विज्ञापन और एड्स के बिहाफ पर आप शैम्पू मत सेलेक्ट करिए। नेक्स्ट चीज़ें आती है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी थिन हेयर रहते हैं, जिन्हें बोलते हैं एक बहुत वॉल्यूमाइज हेयर रहे हैं लेकिन काफ़ी थिन हेयर हैं, तो उनके लिए माइल्ड शैम्पू ज़रूरी, माइल्ड शैम्पू से उनका काम हो जाता है इजीली। और अगर आप उनके लिए माइल्ड शैम्पू विद एक जो पीएच लेवल है वो एक एक्यूरेट होना चाहिए, नॉर्मल पीएच लेवल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है, आप अगर अपन बात करें हैं तो फिर उसके बाद आते हैं थिक हेयर हैं, जिनके काफ़ी थिक हेयर हैं, डेंसिटी अच्छी है, उनमें क्या होता है कि ग्रीस और डर्ट जमा होने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो वो थोड़ा स्ट्रांग शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। उसके कारण ये रहेगा कि वो फ्रिक्वेंटली भी शैम्पू कर सकते हैं अपने हेयर्स को, और अकॉर्डिंग टू थोड़ा एक जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा एक स्ट्रॉन्गर शैम्पू यूज़ कर सकते हैं जिससे उनके हेयर्स अच्छे से क्लीन हो सकें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है ड्राई हेयर। अगर आपके ड्राई हेयर है, काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनके काफ़ी ड्राई हेयर रहते हैं, ड्राई स्कैल्प रहता है, तो ऐसे उन्हें शैम्पू यूज़ करना चाहिए जिनमें थोड़े बहुत एसेंशियल ऑयल होते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा जोजोबा ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, आर्गन ऑयल है, इन सभी ऑयल्स के शैम्पू मिलते हैं, ये बिल्कुल नेचुरली फॉर्मुलेट होते हैं, नेचुरली ऑयल के शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फिर आते हैं ऑयली हेयर। ऑयली हेयर मतलब मान के चलो अगर आपके ऑयली हेयर है तो आपको 99% चांसेस रहेंगे डैंड्रफ के रिकरेंसी होने के, ठीक है। तो आप ऐसा शैम्पू यूज़ करें, आपको ऐसा पर्टिकुलर शैम्पू आपको नहीं यूज़ करना जैसे मतलब उनके लिए एक पर्टिकुलर शैम्पू नहीं आता जनरल, उनके लिए ऐसा शैम्पू आप यूज़ करें जैसे डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो गया, ठीक है। होम्योपैथिक में कैंथरीस और जबरंडी शैम्पू आता है ना, तो इस तरह के शैम्पू आपको यूज़ करना है। फिर देखना है कि उनको फ्लैक्स वगैरह निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, किस तरह का फ्लैक्स है, अगर डेंड्रफ है तो ड्राई फ्लैक्स है कि वेट फ्लैक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग शैम्पू सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है कि अगर आपके कर्ली हेयर हैं तो कर्ली हेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखता है शैम्पू, उसमें भी आपको देखभाल करके ऐसे शैम्पू को यूज़ करना जो कि आपको मॉइस्चराइजिंग कर सके, हेयर्स को मॉइस्चराइज कर सके। पीनट और एक जो अपन ने देखा है नट्स से रिलेटेड शैम्पूज आते हैं, प्रोटीन शैम्पू आता है, शिया बटर शैम्पू आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो उस तरह के शैम्पू वो यूज़ करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ें आती है कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट शैम्पू फॉर यू, ठीक है। अब अपन ने तो ये अभी टाइप्स ऑफ हेयर्स समझे कि किस किस तरह के हेयर टाइप होता है और किस किस तरह के हेयर शैम्पूज आप यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि आप अगर जा रहे हो तो आपको किस तरह से, सबसे पहले एक शैम्पू में आपको क्या देखना है, सबसे पहले हर एक शैम्पू की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वो उन पर मेंशन होती है कि उसमें कितना वो किस तरह के हेयर्स के लिए बना होता है। तो जनरली स्कैल्प हेल्थ आप अपना चेक करो, स्कैल्प हेल्थ कैसा है आपका, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग आप शैम्पू यूज सेलेक्ट करो। पीएच बैलेंस्ड शैम्पू होना चाहिए, एक नॉर्मल शैम्पू का एक पीएच होता है 5 to 7, या आप अपने घर पर या कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो।
नेक्स्ट थिंग, आप कितना फ्रिक्वेंटली शैम्पू यूज कर रहे हो उस चीज पर डिपेंड करता है। अगर आप है ना वीक में 2 बार शैम्पू यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर शैम्पू आप यूज कर सकते हो। अगर आप वीक में अल्टरनेटिवली का तो थोड़ा माइल्डर शैम्पू आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि काफी लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कुछ एग व्हाइट प्रोटीन शैम्पू आने लग गए मार्केट में है, और नट्स एक शैम्पू आते हैं, तो उनपे शैम्पू पर आप ये चीज मेक श्योर रहो कि आपको उन चीजों से एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको उन सब चीजों से एलर्जी है तो आप उस तरह के शैम्पू आप अवॉइड करें, ठीक है। और जहां तक मेरा मानना है कि आप नेचुरल ऑयल्स फॉर्मुलेटिंग शैम्पू होते हैं उन पर आप ज्यादा एक फोकस करें। नेक्स्ट थिंग, आपने देखा होगा काफी सारे शैम्पू में सल्फेट्स और पेराबेंस, ये आप अपने शैम्पू पर आप चेक कर सकते हो कि अगर आपके शैम्पू लगाने पर भी हेयर फॉल हो रहा है तो आप एक बार चेक करो कि उसके अंदर सल्फेट्स और पेराबेंस कितना है। कई बार कुछ शैम्पू ऐसे हैं जिनमें मेंशन नहीं होता लेकिन उनमें भी सल्फेट्स और पेराबेन होता है। अगर किसी शैम्पू में SLS एंड पेराबेंस फ्री लिखा है तो आप उन शैम्पू को आप यूज कर सकते हो। जनरली ऐसे शैम्पू जिनमें नेचुरल सब्सटेंस होते हैं तो उन शैम्पू को आप यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है कि वाटर, एक बहुत ज्यादा एक पूछने में एक आता है, स्पेशली मेरे मैं जहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इंदौर में, तो काफी सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर हमारे यहाँ का पानी खराब है, या फिर हम अभी यहाँ से वहाँ, मतलब यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, बाहर से शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे हेयर प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो एक चीज ये देखी गई है कि अगर वाटर आपका खराब है तो उसके कारण भी आपके हेयर फॉल बढ़ता है, उसमें शैम्पू भी वर्क नहीं कर पाता। तो वो कैसे पता लगाएं? अगर आपके वाटर में आप आसपास का जनरल आप TDS नॉर्मल चेक कर सकते हो, अगर TDS 500 to 600 अबव है और आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है तो आप है ना मतलब उस वाटर को अपने बाल धोने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा होगी जिसकी वजह से हेयर डैमेज हो सकता है, वो हेयर को डैमेज करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि जनरल हम ये सलाह देते हैं कि आप अगर पॉसिबल हो तो या तो RO वाटर आप यूज करो, या आफ्टर एक बार बॉइलिंग करके उसको बैठने के बाद पानी आप उस वाटर को आप उस वाटर से आप अपने बाल धो सकते हो, ठीक है। एक ये जनरल चीज थी हेयर के लिए कि आप अपने हेयर की किस तरह से केयर कर सकते हो, किस तरह से आप शैम्पू सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ शैम्पूस के नाम बता दूंगा जो कि मेरे से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, जनरल एज ए कि आपके लिए कि आप यूज करें उनको, बेहतर आपके हेयर्स के लिए आप उन्हें यूज करें। आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन कहीं से भी, ठीक है। मैं उनके नाम डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ हेयर लॉस के ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको आगे के अपडेट के लिए आप मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर